इस वीडियो में आप सीखेंगे कि बढ़ई का मैलेट कैसे बनाया जाता है। परंपरागत रूप से इसका प्रयोग उन जोड़ों को बनाने के लिए किया जाता है जहां पर हिस्से आपस में कसकर जुड़े होते हैं। लकड़ी के बड़े सिर के कारण मिली सूक्ष्मता और कम उछलने के कारण यह 84 के प्रयोग के लिए एकदम सही है। मैलेट की चोट करने वाली सतह हैंडल की ओर 5 डिग्री पर झुकी होती है, इसके कारण 84 के सिर पर चोट करने पर सीधी चोट पड़ती है। जिन उपकरणों की आपको आवश्यकता होगी वे यह पेंसिल, फुटा, गुनिया, स्लाइडिंग बेवल, चांदा, मार्किंग और मॉरिटिस गेज, मार्किंग नाइफ, बड़ा रंदा, पोक शेव, बड़ी चौरसी, मैलेट, क्रॉस कटारी, फाइल, मोटी रेती, क्लैंप और शिकंजा। जिन मटेरियल की आपको आवश्यकता होगी वे यह मैलेट के सिर के लिए संघन रेशों के साथ सख्त लकड़ी का एक मोटा टुकड़ा और हैंडल के लिए सीधे रेशों वाली लकड़ी का एक लंबा टुकड़ा। चरण पहला, लकड़ी को समकोण बनाना। लकड़ी को शिकंजे में कसे और किसी एक सतह को रंदा करके पूरी तरह से समतल करें। आप लकड़ी की लंबाई के साथ साथ किसी भी सीधे किनारे को चलाकर समतल की जांच कर सकते हैं और सतहों के बीच बनी किसी भी जगह को दूर कर सकते हैं। अगली सतह की ओर लकड़ी घुमाएं और समतल सतह से 90 डिग्री पर एक लाइन बनाने के लिए गुनिये का प्रयोग करें। लाइन तक रंदा करने के लिए बड़े रंदे का प्रयोग करें। गुनिये की सहायता से यह सुनिश्चित करें कि दोनों सतह पूरी तरह से समकोण है या नहीं। चरण दूसरा, मैलेट का सिर काटना। मार्किंग गेज को 2.5 इंच पर सेट करें और लकड़ी की चौड़ाई के साथ एक लाइन बनाएं। लाइन के साथ फुटे को रखें और पेंसिल की सहायता से इसे गहरा करें। लकड़ी को शिकंजे में कसें और पेंसिल के निशान को सिरे के ऊपर तक लेकर जाएं। 2.5 इंच के निशान तक रंदा करें। अब 3 इंच मापने के लिए मार्किंग गेज को सेट करें और इसकी ऊंचाई का निशान लगाने के लिए लकड़ी की लंबाई के साथ साथ एक लाइन बनाएं। लाइन को चारों ओर लेकर जाएं और इसे गहरा करने के लिए पेंसिल और फुटे का प्रयोग करें। लकड़ी को शिकंजे में कसें और लाइन के साथ काटने के लिए क्रॉस कटारी का प्रयोग करें। आप बड़े रंदे की सहायता से कटी हुई सतह साफ कर सकते हैं। गुनिये का प्रयोग करते हुए यह सुनिश्चित करें कि सतह समकोण है। चरण तीसरा, चोट करने वाली सतह बनाना। बड़ी सतह की लंबाई के साथ 7 इंच की दूरी पर 2 निशान लगाएं। दोनों ओर कम से कम 1 सेंटीमीटर छोड़ें। अंदर की ओर 5 डिग्री पर तिरछी लाइन बनाने के लिए पहले निशान पर चांदा करें। मार्किंग नाइफ की सहायता से लाइन बनाएं और पेंसिल का प्रयोग करते हुए इसे गहरी करें। स्लाइडिंग बेवल की सहायता से कोण की निकल करें और विपरीत दिशा में दूसरी निशान पर इसे बनाएं। दोनों लाइनों को चारों ओर ले जाने के लिए गुनिये का प्रयोग करें। लकड़ी को शिकंजे में कसें और लकड़ी के दोनों सिरों को आरी से काटना शुरू करें। यह सुनिश्चित करने के लिए चांदे का प्रयोग करें कि चोट करने की सतह का कोण एकदम सही है। मैलेट के सिर के लिए लकड़ी काटने के बाद अब आप हैंडल को आकार देना शुरू कर सकते हैं। आगे की प्रक्रिया जानने के लिए मैलेट कैसे बनाएं भाग 2 देखें।